अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं शिव मुगल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिव मुगल बाग। मेरे दोस्तों मेरे सारे मुर्गियाँ इधर उधर हो गए, ये भी दाना वगैरह खा के फारे हुए, मैं त्रोड़ डालूंगा ना, ये दोबारा सारे आ जाएंगे। और क्या ये दोबारा आ जाएगा, मेरा इरादा है उसको सेल करने के लिए। ये मुर्गी फंसी हुई है उधर, फिर देखें इधर उधर आने का मतलब है इनको भी आएगी। ये जिसको इरादा है देखने का से ये वाली है, उसको बेचने के लाता हुआ है और इधर मिर्ची की तरफ घुसी हुई है। आवाज़ तो आ रही होगी आपको, इसमें सर जी मेरे ये भी मुर्गी है, इसको भी सेल करने की बात हो रहा है, तो दे दूंगा नहीं तो गोश्त करेगा देख जाऊँगा, ख़त्म करूँगा। और इधर जिसमें देंगे मैं थोड़ा कम करूँगा इनको, यदि कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे को ना, क्योंकि अंडे वगैरह नहीं दे रहे थी सब्जियों में, थोड़ा बहुत दिए हैं बाकी सब्जियों में रुक गई थी, ये तो नहीं किस वजह से अभी दे रही है, अभी कई बंद उठे हैं नहीं दे रहे थी, मैंने बंद कर दिया, कई बंद रख रखे हैं गेंद बंद कर दिए, जब इनको फिर फायदा नहीं रखने का, अंडे वगैरह दे रही नहीं है, अभी अंडे बंद कर दिए उन्होंने। उसने एक अंडा दिया था वो पहले किस तरह भूल के दे दिया उन्होंने, तो इसमें इसलिए ये बड़ी इसलिए देख रहा हूँ कि ये देखा ये मैंने देखा था अंडा खुद ही खा गई थी। इनको इन शाला बेचूँगा, कुछ और रखेंगे, इनका खाने का खर्चा बहुत है, दाना वगैरह इनका कभी ये मुर्गा मछा रहेगा भी दाल, तो हमारे शिरा भी ये खड़ी है ये रखूँगा अस्पताल। उनके दो ये पानी के पास गए गया, ये चंदे रखूँगे थोड़े से कम करूँगा, जो दाना भी दाना खर्चा भी कम हो और ये भी कम हो जाए, कैसे ऐसे ख़त्म करेंगे कि और तीन जितने इरादा है मेरा, ये और मैंने करेंगे रखेंगे, उनमें से भी कुछ ना कुछ सेल आउट करेंगे। ये कौन पड़ा था, ये भी इनमें से कदर रहेगा, ये देखो हार कर रखा बुरा, लड़ाई करते रहते हैं ये ना, लड़ाई कर करके साफ कर लो अपना, इसलिए कुछ सेल इसलिए करने का इरादा हो रहा है, मैं कुछ देख के कम करते हैं, देखेंगे क्या लेते हैं, जो कुछ इरादा है कुछ और लेने का, नहीं तो बेच के कम करते हैं ये चीज़ें, अभी फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो फिलहाल बेच दो तो बाद में दे लेंगे। जैसे मैंने बाहर से इनमें से ना एक भी मुर्गी मैंने बाहर से इसका एक भी नहीं ली, जो कहते हैं ये बाहर से चूज दे लेते हैं बंदे इधर आते हैं बेचने वाले, किसी से भी एक चूजा तक नहीं लिया मैंने, जो अपने खुद ही अपनी हेचकी से निकलवाए थे, और भी मैंने तकरीबन थे मेरे पास काफ़ी बेचे हैं, 60-70 मैंने बेच भी दिए तकरीबन, 50-60 बेच भी दिए तकरीबन मैंने, और भी सभी ये बच रहे हैं, ये भी रद है कि सेल करने के लिए, अभी कुछ नहीं हैं, थोड़े बच्चे और निकलवा रखे हैं वो अलग रखे हुए हैं, फिलहाल यही है मेरे पास अभी रखे हैं ऊपर बड़े छोटे अभी वो अलग रखे हैं, वो इतनी हकीम से निकाले गए, और बच्चे थे वही हैं उसी भी देखूँगा मेरे पास, वो भी बच्चों को भी डालूंगा जिन्होंने निकलवाई थी ना, बच्चे वगैरह भी निकलवाई थी मैंने, इसलिए वो कल सर अभी मैंने निकलवाया परिंदे वगैरह ना मुर्गियाँ भी निकलवाई हैं, इसी से मुर्गी के बच्चे फैंसी हर कुछ कई किस्म के निकलवाए हैं, सब छोटी सब्जी है मेरे पास फैंसी में, ये मतलब ये बेंटम 05 सबसे छोटी नस्ल रही है, और सबसे बड़ी नस्ल का था वो एक भी नहीं बचा, सारे मर गए, क्योंकि उन दिनों में बीमारी आई हुई थी इनकी,
ऐसे सारे ख़त्म हो गए, 36,000 के थे मेरे बच्चे के, सारे मर गए। हमने इनकी काफ़ी याद भी की, इनको वैक्सीन वगैरह सब कुछ करवाया, टीके छीके दवाइयाँ हर चीज़ की है, फिर भी कोई नहीं बचा, सारा मेरा नुकसान हो गया। उसके बाद मैंने बाद में थे मेरे पास थोड़े बच्चे थे, बच्चे बड़े हुए थे, वो मैंने शेयर कर दिए थे, तो उनकी भी कुछ कुछ वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ यूट्यूब पर, फिलहाल अभी यही है तो मैं आपको भी शेयर करूँगा आपके साथ, हमने जो जो से देखे हैं, जैसे हमने सिल्वर बैंटम भी है, सिल्वर का मिश्री भी था, वाइट मिश्री से उसका वाइट मिश्री था, जितना कि ये वाली मुर्गी ना उसके गोल्डन बाल हैं, गोल्डन मिश्री, तो उसके सफ़ेद थे, सफ़ेद और ब्लैक था, सफ़ेद और काला। ये बैंटम के ये स्लोप के हैं, ये आ रही है, ये भी बैंटम ये तो स्लोप है, ये भी काले स्लोप के हैं, इनमें से एक देसी है, ये तो सारे स्लोप हैं, ये मेरा बैंटम क्या हो गया 0.5 ब्लैक बैंटम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को लाइक किया करें, काफ़ी